Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम में होने वाले तीसरे T20 मैच में बारिश खलल डाल सकती है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मंगलवार 7 नवंबर को तीसरे और निर्णायक मुकाबले में आमने सामने होंगी। वहीं मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि यहां 5-8 नवंबर तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। केरल क्रिकेट संघ KCA के सचिव जयेश जॉर्ज ने बताया कि इस स्टेडियम की ड्रेनेज सुविधा कमाल की है। यह मैच राज्य में पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा जो ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान 2015 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का मेजबान था। जॉर्ज ने कहा, सुपर सोपस और अन्य सुविधाएं सभी दुरुस्त हैं। अगर मैच के दौरान बारिश होती है तो बारिश के रुकने के 10 मिनट बाद मैदान मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। राज्य की राजधानी लगभग 3 दशक बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रही है। इससे पहले 1988 में विवियन रिचर्ड्स वाली वेस्टइंडीज ने यहां 25 जनवरी को यूनिवर्सिटी स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच खेला था। मैदान की दर्शकों की क्षमता तकरीबन 50,000 है। पुलिस विभाग के IG मनोज अब्राहम ने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता हैं। अब्राहम ने कहा, मैदान के अंदर सिर्फ मोबाइल फोन ले जाने की मंजूरी है। मैच को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।